9 बार हमला हुआ है, एक बार भी हम नहीं भागे, मैदान में डट करके खड़े हो गए। इनको क्या लगता था पत्थर फेंक करके, शीशा फोड़ करके, हमारे ड्राइवर का हाथ तोड़ करके हमारा यात्रा रोक देंगे? देख लो आंख में काजल लगा करके यात्रा पूरी की है। ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप तरीपार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। कोई अगर सिर्फ हिंदू हिंदू बोले तब भी सावधान हो जाइए, और कोई अगर आकर के सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोले तब भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस देश के इतिहास ने यही हमको सिखाया है कि जिन्ना ने गांधी के साथ दोस्ती नहीं की लेकिन सावरकर के साथ दोस्ती कर ली थी और हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाया था, ये इतिहास याद रखिएगा। क्यों नहीं लोग निकले सड़कों पर, क्यों नहीं गए दिल्ली में? सारे के सारे नेता, सारा का सारा ऑफिस दिल्ली में है। लोग निकल करके अगर चले जाते तो दंगाई भाग जाते। हमने फेस किया है दंगाइयों को, 9 बार जनगणमन यात्रा के ऊपर हमला हुआ है। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भारत के टट्टू हैं, इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको बुरा नहीं लगेगा? हमको क्या बनाया जा रहा है? अगर गांव में कोई मर जाता था, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं बनता था, बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताइए, दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके, कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। कि आज किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है, कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं है तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि सीएए के समर्थन में और सीएए के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में ये उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अंबेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग, बिहार के लोग, जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग, किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, ये मौलाना मजरूल हक की भी धरती है, ये पीर अली की भी धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? हाथ उठा करके जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है,
बल्कि नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये शाहीन बाग की दादियों से डर गए हैं और उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई है और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में यह आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीपार से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोडसे जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे 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 लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीए एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश के खिलाफ गांव गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुलावे में हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपौत्र आज हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, ये इस बात की शिनाख्त है, देख लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत, जो नफरत आज इस देश के भीतर बोई जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिंकवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिंकवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश का बंटवारा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को, हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए उन्होंने जिन्ना को नहीं गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था, इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी लेकिन वो दंगा नहीं रोक पाए, अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर ईस्ट भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया है। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई मां अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता।
मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए किसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उससे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में एक इतिहास रच रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है, तो ये गोडसेवादी ताकतें, ये नफरतवादी ताकतें इस देश को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ वो ये बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती, ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को, उस आईन को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। हम इसमें तो कुछ लोग आकर के कहते हैं, क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से? सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे। आज भी कुछ लोग अपने पार्टी दफ्तरों में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा, ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा। जब देश को जरूरत थी, क्यों नहीं लोग निकले सड़कों पर, क्यों नहीं गए दिल्ली में? सारे के सारे नेता, सारा का सारा ऑफिस दिल्ली में है। लोग निकल करके अगर चले जाते तो दंगाई भाग जाते। हमने फेस किया है दंगाइयों को, 9 बार जनगणमन यात्रा के ऊपर हमला हुआ है। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भारत के टट्टू हैं, इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। 9 बार हमला हुआ है, एक बार भी हम नहीं भागे, मैदान में डट करके खड़े हो गए। इनको क्या लगता था, पत्थर फेंक करके, शीशा फोड़ करके, हमारे ड्राइवर का हाथ तोड़ करके हमारा यात्रा रोक देंगे? देख लो, आंख में काजल लगा करके यात्रा पूरी की है। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लोगों को और नेताओं को पॉलिटिकल स्टंटबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने चुनावी गुणा गणित से बाहर निकलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा
कि आज अगर इस देश का बच्चा बच्चा आजादी का नारा लगा रहा है, इसका मतलब सचमुच जो आजादी हमको 47 में मिली थी आज उसके ऊपर हमला है, उस पर खतरा है, और उसको बचाने के लिए, गुलामी को हराने के लिए हमको आजादी के नारे को बुलंद करते रहना पड़ेगा। और जब नारा लगाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं किस चीज से आजादी चाहिए, अरे आपकी बेईमानी से आजादी चाहिए साहब, आप ही की बेईमानी से आजादी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी बेटी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, आपका बच्चा तो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, आपका बच्चा तो अमेरिका में पढ़ता है, और हमारे घर के बच्चे जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको 3 साल का बीए 5 साल में कराते हैं, लाज नहीं लगता है वो है लाज? मिलाइए जनता से आंख, दीजिए जवाब। एक नौकरी करने वाला इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है तब जाकर के पक्का मकान बना पाता है। बेटा बेटी को पढ़ा करके बेटी का शादी करता है तो उसका सारा पीएफ का पैसा खत्म हो जाता है। बशीर बद्र साहब ने कहा है, लोगों की उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? और तुम बस्तियां जला रहे हो, इंसानों को आपस में बांट रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रो सीए और एंटी सीए का पोलराइजेशन क्या होगा। ये प्रो सीए और एंटी सीए का पोलराइजेशन नहीं है, एक तरफ गांधी अंबेडकर और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ ट्रंप का तलवा चाटने वाले गुलाम हैं। इनकी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारा है और इस देश के संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, और जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है तो क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या चाइना, क्या जर्मनी, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत के लोग हैं, आजाद देश में पैदा हुए हैं, अपनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। ये बात इनकी आंखों में खटकता है, इनको लगता है कि हर किसी के हाथ में आज मोबाइल है, और कोई भी लड़का जिसको कोई नहीं पहचानता है वो टिकटॉक स्टार बन सकता है। हर लड़के के हाथ में आज इंस्टाग्राम है, जिसको कोई पहचान नहीं मिली, क्लास में जिसको मॉनिटर नहीं बनाया गया, आज भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे उसके 50,000 फॉलोवर हो, और रेस्टोरेंट वाले उसको फोन करते हो कि ये भैया हमारे रेस्टोरेंट में आ जाइए ना, एक पेट खा करके फोटो डाल दीजिएगा, 10,000 रुपया हम आपको दे देंगे। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमारी ताकत है, इस मोबाइल ने हमको इंपावर्ड किया, हमको शक्तिशाली बनाया है। देखिए बेईमानों को कि कितनी चालाकी से ये शक्ति आज हमारे हाथ से छीन लिए हैं। उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके नीरज और नसीम को आपस में लड़ा रहे हैं, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस देश में कन्हैया और कामरान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके एक तरफ गांधी जी के ऊपर फूल का माला भी चढ़ाते हैं और मन ही मन गोडसे जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, उसी मोबाइल के जरिए रोज नया मुद्दा आपके सामने फेंक करके जो आपका बुनियादी सवाल है उससे आपको गुमराह कर दिया जाता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक एक आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप बलात्कार की बात करेंगे, हर 3 मिनट में बलात्कार की कोई घटना होती है। आप देख लीजिए, जो बेसिक सुविधा की बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए चले जाइए तो जो मरीज का इलाज कराने के लिए जाएगा, पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी वापस बीमार होकर के आएगा, बोलिए ऐसी हालत है कि नहीं है। कहां जा रहा है बजट, क्या हो रहा है हमारे पैसे का? सरकार कहती है कि शिक्षा पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हवाई जहाज पे उड़ने के लिए सरकार के पास पैसा है। तो ए बाबू, तुम हो वो घूमो हवाई जहाज में, और हमारा बच्चा ट्रेन की बॉगियों में, जनरल बॉगी का बात आपको बताते हैं, जनरल बॉगी में अगर दिल्ली जाना हो ना, प्यास लगने पर भी लोग पानी नहीं पीता है कि पेशाब लग जाएगा तो कैसे जाएंगे पेशाब करने के लिए, बोलिए हकीकत है कि नहीं है? जनरल बॉगी में दोनों बर्थ के ऊपर गमछा बांध करके उसके ऊपर लोग सो जाता है, खाता नहीं है,
कि पच जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय जाना पड़ेगा। इस देश की ऐसी हालत बना करके रखी है और आप चाहते नहीं है कि बुनियादी सवालों पर बहस हो। जब पूरा देश एनआरसी में उलझा हुआ था, बड़ी चालाकी से एलआईसी को बेच दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकारी बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है। बिहार के जो पुरनका लोग हैं उनको यह बात याद होगा कि लोग कहते थे कि प्राइवेट बैंक में पैसा मत जमा कीजिए, प्राइवेट बैंक आपको ज्यादा ब्याज का लालच देगा लेकिन कब आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा इसका गारंटी नहीं है। क्या जी? सब लोग आपको बता देंगे, जाइएगा देख लीजिएगा, पटना जंक्शन के बगल में जो पुल है उस पुल के सामने से देखिएगा तो अभी भी हेलियस ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। हेलियस बैंक बिहार में था कि नहीं था? कहां गया हेलियस बैंक? क्या हुआ पेयरलेस बैंक का? क्या हुआ जेबीजी बैंक का? इस देश के गरीबों का जो 10 रुपया 20 रुपया रोज जमा करते थे वो पैसा लेकर के भाग गया। और आज वित्त मंत्री कह रही हैं कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले में दक्ष नहीं है। अरे अपनी दक्षता छुपाने के लिए, अपनी अक्षमता छुपाने के लिए आप बैंकों के ऊपर मत डालिए। अगर हम इस देश के लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में बैंक को चला सकते हैं तो हम बैंक को मुनाफा में भी ला सकते हैं। आप अपने कॉरपोरेट दोस्तों के साथ गलबहियां करना बंद कर दीजिए, सरकारी बैंक मुनाफे में आ जाएंगे। कहते हैं एनपीए का बात, किसान का जो कर्जा है ये एनपीए है, लेकिन जो कॉरपोरेट का 1,76,000 करोड़ रुपया जो कर्जा माफ किया गया वो एनपीए की ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में लूट मची हुई है, इसीलिए देश की जनता को धर्म के नाम पे उलझाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये कहने के लिए आया हूं कि सीएए एनआरसी और एनपीआर की लड़ाई अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई की दो सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती तो यह है कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे जो अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी खोजने में बिताते हैं, उन बच्चों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ये जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दंगा करने वाले लोग हैं, ये हमारे घरों को जलाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आग की कोई जात नहीं होती और आग का कोई धर्म नहीं होता। आग जब लगता है तो उसके सामने जो भी पड़ता है वो उसका घर जला देता है, उसका जीवन जला देता है। हमको इस आग को बुझाना पड़ेगा। और अगर हम आग बुझाना चाहते हैं तो कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, नफरत से नफरत को नहीं हराया जा सकता है। जैसे कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नफरत को हराने के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई आकर के आपके धर्म का नाम ले, कोई अगर सिर्फ हिंदू हिंदू बोले तब भी सावधान हो जाइए, और कोई अगर आकर के सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोले तब भी आप सावधान हो जाइए। क्योंकि इस देश के इतिहास ने यही हमको सिखाया है कि जिन्ना ने गांधी के साथ दोस्ती नहीं की लेकिन सावरकर के साथ दोस्ती कर ली थी और हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाया था, ये इतिहास याद रखिएगा। ये इतिहास इस देश में ना दोबारा दोहराया जाए, इसीलिए इस देश में हमको ये तय करना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को ये तय करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कि हमको गोडसे के रास्ते पे चलना है, जिन्ना के रास्ते पे चलना है, या हमको भगत सिंह अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलना है। ये बात हमको तय करना पड़ेगा।